हृदय की गहराइयों से हम सबका स्वाभिमान आत्मविश्वास माननीय प्रधानमंत्री महोदय आपका वंदन अभिवंदन अभिनंदन। सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री महोदय महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय माल्यार्पण करने जा रहे हैं महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर। हम सब की श्रद्धा के सुमनों से बनी ये माला माननीय प्रधानमंत्री की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी अपनी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और माननीय डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी भी अपनी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। और जैसा कि विश्वविद्यालयों की परंपरा रही है, विश्वविद्यालय प्रांगण में जब कोई आयोजन होता है तो शुभारंभ कुलगीत से होता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की छात्राएं अब प्रस्तुत करने जा रही हैं कुलगीत। मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी राजधानी ये तीनों लोगों से न्यारी काशी सुज्ञान धर्म और सत्य राशि बसी है गंगा के रंग तट पर ये सर्व विद्या की राज राजधानी राजधानी यहाँ की है ये पवित्र शिक्षा की सत्य पहले फिर आत्मरक्षा बीके हरिश्चंद्र थे यही पर ये सत्य शिक्षा की राजधानी राजधानी वेद ईश्वर की सत्य बने जिन्हें पढ़ के ब्रह्म ज्ञानी थे व्यास जी ने रचे यही पर ये ब्रह्म विद्या की राजधानी राजधानी व मुक्ति पद को दिलाने वाले सुधर्म पथ पर चलाने वाले यही भले शंकर ये राज ऋषियों की राजधानी राजधानी सुरम्य हाराए वरुणासी नहाए जिन में कबीर तुलसी भला हो कविता का क्यों ना कर ये वाग विद्या की राजधानी राजधानी विविध कला अर्थ शास्त्र काय गणित खनिज औषधि रसायन प्रतीचि प्राची का मेल सुंदर ये विश्व विद्या की राजधानी राजधानी ये मालवीय जी की देश भक्ति ये उनका साहस ये उनकी शक्ति प्रकट हुई है नवीन होकर ये कर्मवीरों की राजधानी राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व वेदा की राजधानी राजधानी।
कुल गीत के बाद अब अपनी परंपरा और संस्कृति का निर्वहन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत किया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय प्रधानमंत्री महोदय को पुष्प और अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत करें और आप सब तालियों के पुष्पों से अपने हृदय की भावनाएं मंच तक पहुंचाएंगे और साथ ही बनारस मशहूर है काष्ठ कला के लिए, अंतर्राष्ट्रीय जगत में इस काष्ठ कला का बड़ा सम्मान है। उसी से बनी प्रतिमा राम भक्त हनुमान की माननीय प्रधानमंत्री महोदय को माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी से हम अनुरोध करेंगे कि हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी काष्ठ कला का, बनारस की काष्ठ कला का ये मान सम्मान प्रतीक चिन्ह के रूप में दें। भगवान श्री गणेश की प्रतिमा इस काष्ठ कला के लिए अंतर्राष्ट्रीय जगत में जाना जाता है, वाराणसी। सचमुच हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज प्रधानमंत्री के रूप में हमें एक ऐसे व्यक्तित्व का सानिध्य और सामिप्य मिल रहा है जो दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, अपार ऊर्जा के स्रोत हैं और नवोन्मेष विचारों के संवर्धक हैं और साथ ही समर्पित कार्य साधक हैं। हम माननीय सांसद चंदौली और माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी से अनुरोध करेंगे कि हम सब की ओर से माननीय का स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हम सबका आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आदर व्यक्त करते हुए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के प्रति आदर व्यक्त करते हुए और सभी वरिष्ठ जन के प्रति आदर व्यक्त करते हुए, आप सभी को नमस्कार करते हुए, आज अपने जीवन के मूल्यवान 68 वर्ष पूर्ण कर और देश की, दुनिया की सांस्कृतिक राजधानी और अपने प्रिय संसदीय क्षेत्र में ही अपने जन्मदिन का 68वां क्षण बिताते हुए 69 वर्ष में प्रवेश करने वाले माननीय मोदी जी का अभिनंदन करते हुए, आज अत्यंत गौरव का बधाई देते हुए उन्हें जन्मदिन के एक बार पुनः अत्यंत गौरव की अनुभूति हो रही है, क्योंकि आज हम सबके वो प्रेरक हैं, मार्गदर्शक हैं और यही एमपी थिएटर ग्राउंड है जहां आज से एक लंबे कालखंड पूर्व अक्टूबर 1977 में मैं इस विश्वविद्यालय के एक कार्यकर्ता के रूप में यहां के छात्र जीवन से काम करने आगे आया, छात्र संघ के महामंत्री के रूप में। उस समय भी मोदी जी प्रेरक थे और आज भी प्रेरक हैं हम विद्यार्थियों से लेकर आज तक के कार्यकर्ताओं के। आज इस अवसर पर मैं माननीय मोदी जी आपका इसलिए अभिनंदन और स्वागत के लिए विशेष रूप से उपस्थित हूं कि आज से 110 वर्ष पूर्व इसी गंगा के पवित्र धरती पर, पवित्र पावन तट के किनारे जिन्हें आपने भारत रत्न से नवाजा, ऐसे पंडित मदन मोहन मालवीय ने आजाद भारत की लड़ाई और आजाद होने के बाद बनने वाले भारत में ज्ञान विज्ञान की बेहतर पढ़ाई और नया भारत निर्माण का संकल्प लेकर इस विद्यालय की स्थापना की और आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आप भी, उन्होंने 20वीं शताब्दी के शुरुआत में यह काम किया, आप 21वीं शताब्दी के शुरुआत में नए भारत के निर्माण में लगे हैं। आज आपका नया भारत जो आतंकवाद मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, साफ सुथरा, स्वच्छता युक्त, गरीबी से मुक्त, इन समस्त परिस्थितियों से युक्त एक नया भारत जो निर्माण हो, उस क्रम में
और आपने काशी को उसका एक बड़ा केंद्र बनाया है। मैं कोई लंबा नहीं बोलूंगा, लेकिन आज यहां पर 557 करोड़ की विभिन्न विद्युत परियोजनाओं का दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से ऊर्जीकृत बनारस के गांवों का, चोलापुर के पारणेसर केंद्र का और तमाम ऐसे भौतिक विकास का आप संसाधन शुभारंभ कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं। और आपने इतना ही नहीं, आपने और योगी आदित्यनाथ जी ने भी उसमें अपना योगदान कर काशी के भौतिक विकास के साथ, बदलते हुए बनारस के साथ काशी की देश और दुनिया में विख्यात आध्यात्मिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए यहाँ वैदिक विज्ञान केंद्र का भी आज शिलान्यास हो रहा है, जो काशी की अपार पुरानी परंपराओं को आगे बढ़ाने में, तो हर पक्ष को आपने उरेखित किया है। आपका हम बार बार वंदन करते हैं। कौन कौन सी चीज का वर्णन किया जाए, या देश आपकी अगुवाई में आगे बढ़ रहा है, दुनिया का आप नेतृत्व कर रहे हैं। और कल अनेक बार यहाँ हर तीसरे महीने, दूसरे महीने आके, हर चौथे महीने आके आप जिस तरह से बनारस को अपना प्यार, अपना सहयोग दे रहे हैं, और कल जिस तरह से आपने सुरक्षा के बिना चिंता किए विकास कार्यों का अवलोकन करते हुए एक जिम्मेवार लगनशील सांसद के रूप में मणिवाड़ी रेलवे का स्टेशन का निरीक्षण किया, आज काशीवासी अभिभूत हैं आपके इस लगनशील सांसद के कर्म के रूप में। इस नाते अनेक ऐसे आपका व्यक्तित्व है जिस रूप में हम सब आपका अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। आज बहुत ज्यादा न कह के भैया माफ करिएगा, शुद्ध बनारसी में मैं एक लाइन कह के अपनी बात पूरी करूंगा। ये भैया बचपन से बनारस हम भी इसी जगह पले बढ़े, इस विद्यालय से लेके काशी के गली गली में हम यही लगातार रह ली, और आज यह क्षेत्र में लगातार रहत का भैया बड़ा प्रधानमंत्री का सुनल गल देखल गयल, लेकिन अटल जी के छोड़ के न ऐसन बनारस अपन सांसद देखलस, न ऐसन बनारस अपन यह देश में प्रधानमंत्री देखलस, न उत्तर प्रदेश के लोग ऐसन प्रधानमंत्री देखने। आज बनारस के यश देते हुए बनारस बदलत हो, बनारस विकास का इतना इतना आगे बढ़त हो कि धका धक यार फ्लाइट बढ़त जात हो, पर्यटन बढ़त जात हो, उद्योग बढ़त जात हो। तई बनारसिन का एक प्रार्थना है बाबा भोलेनाथ से कि हे बाबा भोलेनाथ, यह बनारस के, यह उत्तर प्रदेश के, यह देश के, यह दुनिया के नरेंद्र मोदी जैसन नेता, जैसन प्रधानमंत्री का लगातार जरूरत है, लगातार जरूरत है। यह नाते उन्हें आशीर्वाद दा, बाबा भोलेनाथ स्वस्थ रखा, जैसे यह बनारस प्रदेश, देश और दुनिया आगे बढ़े, यही निवेदन करते हुए कोटि कोटि अभिनंदन है माननीय मोदी जी का, सबको बहुत बहुत नमस्कार। योगी जी का अभिनंदन है, बहुत बहुत नमस्कार। उत्तर प्रदेश भाजपा की तरफ से भी माननीय मोदी जी का अभिनंदन है, सबको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, आपने हम सब के हृदय की भावनाओं को अपनी आवाज़ दी, हमारी प्रार्थनाओं को बाबा तक पहुंचाया। माँ गंगा ने जिन्हें बुलाया और बाबा विश्वनाथ ने जिन्हें अपना आशीर्वाद दिया, और काशीवासियों ने जिन्हें प्यार से चुनकर भारत को एक श्रेष्ठ प्रधानमंत्री के रूप में सुशोभित किया, जिन्होंने सपना देखा अतुल्य काशी के निर्माण का, उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम बनाने का, और जिनके इस स्वप्न का अक्षरशः पालन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, विश्वास की बुनियाद पर विकास का इतिहास रचने वाले माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से अब हम अनुरोध करेंगे कि आज के इस सुअवसर पर हमारा मार्गदर्शन करें। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी,
उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय अध्यक्ष और चंदौली से माननीय सांसद डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी, आज के इस समारोह में उपस्थित काशी से जुड़े हुए सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मैं आज लोकार्पण और शिलान्यास के इस भव्य कार्यक्रम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और काशी के माननीय सांसद आदरणीय मोदी जी का आप सब की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि काशी के प्रति आदरणीय प्रधानमंत्री जी का किस प्रकार का एक भावनात्मक रिश्ता है। मेरी काशी कह करके अपनी इन भावनाओं को व्यक्त करने काशी के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रवेश को बनाए रखते हुए भौतिक विकास की आधुनिक सभी सुविधाओं से युक्त काशी के निर्माण के लिए जिस प्रकार के कार्यक्रम और योजनाएं विगत चार वर्षों में काशी के अंदर आई हैं और जिस द्रुत गति से ये सब योजनाएं आगे बढ़ी हैं, मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, काशी के लोकप्रिय सांसद का, प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आज की जो तमाम योजनाएं हैं इनमें आईपीडीएस के अंतर्गत काशी के अंदर लटके हुए तारों को केबलिंग के माध्यम से अंडरग्राउंड करना, दुर्घटनाओं से बचाने के साथ साथ शासन को भी राजस्व की बचत कैसे हो, इस दिशा में बेहतर प्रयास करने के लिए एक बड़ी कार्य योजना को यहां से सांसद चुने जाने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी में प्रमुखता के साथ लागू किया। उन योजनाओं का लोकार्पण और नई योजनाओं का यहां पर शुभारंभ उत्तर प्रदेश के अंदर विगत चार वर्षों के दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से गांव गांव और प्रत्येक राजस्व गांव और मजरे तक विद्युतीकरण कराने का कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ हुआ और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत डेढ़ वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 72,000 से अधिक मजरों तक विद्युतीकरण कराने के साथ साथ 52,00,000 परिवारों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से सौभाग्य योजना के अंतर्गत निशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने का कार्य भी किया है। जिन लोगों ने कभी विद्युत कनेक्शन नहीं देखा था या ऊर्जा विभाग के कारण, उनके कठिन नियमों के कारण जिन्हें बिजली सुलभ नहीं हो पाती थी, आज उन परिवारों को सौभाग्य योजना के अंतर्गत निशुल्क विद्युत कनेक्शन मिल रहा है और विद्युत कनेक्शन उपलब्ध होना इस बात को उजागर करता है कि प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के और पूरे देश के अंदर बिना भेदभाव के केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य किया है और उत्तर प्रदेश उसका जीता जागता उदाहरण है। आज काशी में 3,000 से अधिक मजरों के विद्युतीकरण की परियोजना को आगे बढ़ाने और संपूर्ण काशी के प्रत्येक घर तक, इस जनपद के प्रत्येक घर तक विद्युत की लाइन पहुंचाने
और उन्हें निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने के एक बड़े कार्यक्रम का भी शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, काशी के अंदर यह BHU पंडित मदन मोहन मालवीय जी की साधना की स्थली है। पुरातन और आधुनिक शिक्षा पद्धति का समन्वय कैसे होना चाहिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय उसका उदाहरण है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दो नए केंद्रों को आगे बढ़ाने, अटल इंक्यूबेशन सेंटर और वैदिक विज्ञान केंद्र, इन दो कार्यों का शुभारंभ आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यहां प्रारंभ हो रहा है। जो नौजवान स्वयं का स्टार्टअप प्रारंभ करना चाहते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति और महिला उद्यमी जो स्वयं का कारोबार आगे बढ़ाना चाहते हैं, स्टैंड अप योजना के अंतर्गत उन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए जहां अटल इंक्यूबेशन सेंटर एक नई आशा की किरण लेकर के काशी की धरती पर आया है, वहीं साथ ही साथ पुरातन और आधुनिक विद्या के केंद्र के रूप में वैदिक विज्ञान केंद्र यह एक नई आशा की ज्योति लेकर के इस क्षेत्र में आया है। और इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं काशी में पधारे हैं। काशी के विकास के लिए, काशी को विकास की योजनाओं से आच्छादित करने के लिए विगत 4 वर्षों के दौरान काशी वासियों ने विकास की प्रक्रिया को अपनी आंखों से महसूस किया है। यहाँ की चौड़ी होती हुई सड़कें, यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर सुधार की दिशा में अब तक जब आई अपने आंखों के उपचार की बात आती थी, आधुनिक केंद्र की बात होती थी, तो हमें दक्षिण भारत के शंकर नेत्रालय की बात याद आती थी। और भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यहां पर आधुनिक नेत्र केंद्र के रूप में, ऑप्टोलॉजिकल सेंटर के रूप में, BHU में यहां के नेत्र संस्थान को आधुनिक स्वरूप देने और यहां पर बेहतर उपचार की व्यवस्था करने के केंद्र का भी शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार जब पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी विकास के अनेक योजनाओं को लेकर के यहां पर काशी वासियों के बीच में उपस्थित हैं, मैं इस अवसर पर एक बार पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी की इस धरती पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश और यह देश विकास की नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। भारत दुनिया के एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। इस विश्वास के साथ हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के न्यू इंडिया के उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम सब उनके मार्गदर्शन में कार्य करने के प्रति अपने आप को संकल्पित करते हैं, प्रतिबद्ध करते हैं। इस विश्वास के साथ मैं एक बार पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी की धरती पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आप सबके प्रति भी हृदय से अपनी शुभकामनाएं देते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आपको उन समस्त परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी जिन 557 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा होना है, आइए उसी पर आधारित बनी एक छोटी सी फिल्म देखते हैं। कला, संस्कृति, पर्यटन, अध्यात्म और धर्म का चटख रंग दर्शाने वाली काशी अलबेली है, क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और संकल्प से नित नए उपक्रमों द्वारा इसे संवारने की मुहिम अनवरत जारी है। भारत सरकार द्वारा IPDS योजना के तहत पुरानी काशी की सड़कों और गलियों में उलझे बिजली के तारों और खंभों को नवीन एवं उन्नत तकनीक के साथ भूमिगत करने का संकल्प भी पूर्ण किया गया है,
जिसके तहत भारत सरकार के उद्यम पावर ग्रिड ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद 362 करोड़ की इस परियोजना को तय सीमा में कार्यान्वित किया। फलस्वरूप काशीवासियों को निर्बाध और गुणवत्ता युक्त ऊर्जा का शानदार तोहफा मिला है। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने पूर्वांचल की विद्युत संरचना को बेहद उन्नत एवं आधुनिक करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत 3722 जनबस्तियों में विद्युतीकरण का कार्य, साथ ही सिंगल फेस के 90,000 मीटर लगाने का कार्य तथा बेटावर और कुरुसातों में 3311 के विद्युत उपकेंद्र बनने से लगभग 20 गांवों को बेहतर बिजली मिलनी प्रारंभ हो चुकी है। सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि राजा तालाब के ग्रामीण क्षेत्र नागेपुर में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा नलकूप, पंप गृह और जलाशय के निर्माण का कार्य भी पूर्ण करके 400 घरों तक स्वच्छ पेयजल की सुविधा मुहैया करा दी गई है। हम अभिभूत हैं, आभारी हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कि काशी की विकास यात्रा में उनके कर कमलों से पीएचयू स्थित केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित अटल इंक्यूबेशन सेंटर लोकार्पित हो रहा है। साथ ही वैदिक विज्ञान केंद्र और क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान की नींव भी उनके द्वारा रखी जा रही है। सतरंगे पूर्वांचल को मिल रही इन सौगातों से हम आह्लादित हैं। निश्चित रूप से इन परियोजनाओं से काशी के विकास को एक नया क्षितिज, एक नई ऊंचाई मिलेगी। जैसा कि इसमें जिक्र किया गया, अटल इंक्यूबेशन सेंटर का माननीय अटल जी का सपना था आधुनिक नवोन्मेष नए भारत के निर्माण का, जिसे अब पूरा कर रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय स्टार्टअप और स्टैंडअप इंडिया के माध्यम से। अटल इंक्यूबेशन सेंटर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में युवाओं की सोच से सफलता तक की यात्रा का मार्ग प्रशस्त करेगा। आइए देखते हैं इसी सेंटर पर एक छोटी सी फिल्म। अच्छा बेटा, बिजनेस करने का भूत सवार है तुम्हारे सर पे, पर पैसे कौन देगा? आइडिया तो अच्छा है जी, पर सस्टेनेबल नहीं है। तो आप ना ऐसा करो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे नेक्स्ट ईयर आ जाओ, ठीक है? अरे बांजे, मैं तुझे पक्का 2,00,000 रुपए दे देता, पर वो क्या हुआ ना कि तू समझ रहा है ना बांजे? मामा जी, मैं खूब समझ रहा हूँ। इनोवेशन की कदर ही नहीं है इस देश में। खैर, ये बिजनेस करने का आइडिया ही छोड़ दो। हाँ, क्या यही सोच रहे थे ना आप? गलती से भी मत सोचना, क्योंकि अब देश में बड़े स्तर पर इनोवेशन का कल्चर शुरू करने की पहल कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इसी विजन को साकार करने के लिए बीएचयू ने नीति आयोग और अपने इंडस्ट्री पार्टनर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंस्टीट्यूट के साथ शुरू किया है अटल इंक्यूबेशन सेंटर, महामाना फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। बीएचयू के सभी सुविधाओं से सज्ज कैंपस में स्थित 10,000 स्क्वायर फीट में फैला ये सेंटर होगा अपनी तरह का पहला इंक्यूबेशन सेंटर। यहाँ पर होगी टिंकरिंग लैब्स, आइडिएशन सेंटर्स, कोलैबोरेटिव रूम्स और स्पेशल इनोवेशन सेंटर्स जैसी फैसिलिटीज। और दोस्तों, ये पूरा इंक्यूबेशन तैयार किया गया है मात्र 20 दिनों के अंदर। यहाँ पहले आइडियाज को स्टार्टअप और फिर स्टार्टअप को 3 महीने के स्पेशल प्लान से एक बड़े से बिजनेस में कैसे बदला जाए, इस बात पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही स्टार्टअप्स को टेक्नोलॉजी, लीगल, यूआई, यूएक्स, डिजाइन थिंकिंग, मार्केट एक्सेस, ग्लोबल इनोवेशन जैसे एरियाज में भी सपोर्ट दिया जाएगा, ताकि गलती से भी ये युवा उन आइडियाज को खो ना दे जिनके देश को हमेशा से तलाश है। हम जानते हैं कि किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने के लिए जरूरी है कैपिटल, करेज और कनेक्शन, और ये तीन चीजें देश के युवाओं को मिले। इस योजना के तहत हमने इन बातों पर बराबर ध्यान केंद्रित किया है। आज भारत दुनिया में एक बहुत बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। मेरे देश के नौजवानों का खुद पर भरोसा,
कुछ कर गुजरने का इरादा, और इन दोनों का मिलन ही है जो विश्व का ध्यान भारत के स्टार्टअप पे जा रहा है। तो युवाओं, आपके सपने और सफलता के बीच की सीढ़ी आपके लिए तैयार है। अटल इंक्यूबेशन सेंटर, महामाना फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, BHU, नीति आयोग और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंस्टीट्यूट की विशेष पहल। निश्चित रूप से युवाओं के सपनों को अपने ही देश में साकार करने में अटल इंक्यूबेशन सेंटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और अब मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर 557 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करें। शिलापट का अनावरण हो रहा है, जैसे विकास का एक नया सूर्य उदित हो रहा है एक नए क्षितिज पर। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय, खादी ग्राम उद्योग आयोग खादी के उत्पादन में वृद्धि के लिए और ग्रामीण उद्योगों से जुड़े कारीगरों के प्रोत्साहन और उनके उत्पादन की वृद्धि और आर्थिक सुधार के लिए निरंतर प्रयत्नशील है, और आज उन्हीं की कुछ परियोजनाओं के लाभार्थियों को लाभ दिया जाएगा। कुंभकारी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लाभार्थी श्री विनोद कुमार प्रजापति जी को हम बुला रहे हैं। विद्युत चालित चाक प्रतीक रूप में, वैसे 260 कुंभकारों को विद्युत चालित चाक दिया जाएगा, 26 को बलंजर, 26 पग मशीन, 26 आधुनिक भट्टियों का आवंटन। प्रतीक के रूप में एक को माननीय प्रधानमंत्री महोदय दे रहे हैं। प्रदेश में शहद के उत्पादन को बढ़ाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग मधुमक्खी बक्से मधुमक्खी पालकों को उपलब्ध करा रहा है। 50 मधुमक्खी पालकों को, इसमें से एक को श्री ओंकार नाथ प्रसाद जी को माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा, 50 मधुमक्खी पालकों को 500 मधुमक्खी बक्से वितरित किए जाएंगे जिससे शहद उत्पादन बढ़ सके। वस्त्रों से जुड़े जो कारीगर हैं उनको कम समय में ताना तैयार हो सके इसके लिए 3 रेडी बार मशीनों का आवंटन होगा। कारीगर श्री लाभार्थी हैं श्री संदीप सिंह जी, जिनको प्रतीकात्मक 1 रेडी बाप मशीन प्रदान करेंगे माननीय प्रधानमंत्री महोदय, और समस्त लाभार्थियों को अपनी शुभकामनाएं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय। वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। जो सपनों को संकल्प के रूप में बदलकर पुरुषार्थ के माध्यम से सिद्धि तक के मार्ग तक ले जाने की प्रेरणा और साहस देते हैं 125 करोड़ भारतीयों को, वो हैं हम सब के प्रिय, हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। सबका साथ सबका विकास, एक भारत श्रेष्ठ भारत से लेकर अजेय भारत के शिल्पकार माननीय प्रधानमंत्री महोदय से हम अनुरोध करेंगे कि अपनी ओजस्वी वाणी से हमारा मार्गदर्शन कर हमें अनुग्रहित करें। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और संसद में मेरे साथी श्रीमान महेंद्र पांडे जी, और विशाल संख्या में पधारे हुए काशी के मेरे युवा साथियों,
काशी के आप सभी भाई बंधु भगिनी को मेरा प्रणाम बा। हमारे काशी का लोगन हमें इतना प्यार देलन, सच में मन हृदय गदगद हो जाला। आप लोगन के बेटा है, समय निकाल बार बार काशी आवे का मन करला। भाई और बहनों, हर हर ये सौभाग्य की बात है, देश के लिए समर्पित एक और वर्ष की शुरुआत मैं बाबा विश्वनाथ और मां गंगा के शुभ आशीष से कर रहा हूं। आप सभी का ये स्नेह, ये आशीर्वाद मुझे हर पल प्रेरित करता और सभी देशवासियों की सेवा के संकल्प को और मजबूत करता है। साथियों, इसी सेवा भाव को आगे बढ़ा लेते हुए आज यहां 550 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम के प्रदेश का या तो लोकार्पण हुआ है या फिर शिलान्यास हुआ है। विकास के ये कार्य बनारस शहर ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों से भी जुड़े हैं। इनमें बिजली पानी जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ी परियोजनाएं तो है ही, साथ में किसानों, बुनकरों और शिल्पकारों को नए अवसरों से जोड़ने वाले प्रोजेक्ट भी शामिल है। इतना ही नहीं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 21वीं सदी का महत्वपूर्ण नॉलेज सेंटर बनाने के लिए भी कई प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की गई है। इन परियोजनाओं के लिए मैं बनारस के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैं जब भी आपके बीच आता हूं तो एक बात जरूर याद दिलाता हूं, हम काशी में जो भी बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं वो उसकी परंपराओं को संजोते हुए, उसकी पौराणिकता को बचाते हुए किया जा रहा है। अनंत काल से जो इस शहर की पहचान रही है उसे सुरक्षित करते हुए इस शहर में आधुनिक व्यवस्थाओं का समावेश किया जा रहा है। 4.25 वर्ष पहले जब काशीवासी बदलाव के इस संकल्प को लेकर निकले थे, तब और आज में अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। दिखता है ना, अंतर दिखता है कि नहीं दिखता है? बदलाव नजर आ रहा है, धरती पे परिवर्तन दिख रहा है। धन्यवाद, वरना आप तो उस व्यवस्था के गवाह रहे हैं जब हमारी काशी को
भोले के भरोसे अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। आज मुझे बहुत संतोष है कि बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से हम वाराणसी को विकास की नई दिशा देने में सफल हुए हैं। वरना बरसों पहले के वो भी दिन थे जब काशी की ध्वस्त हो रही व्यवस्थाओं को देखकर यहां आने वाले हर व्यक्ति का मन उदास हो जाता था। बिजली के तारों के जाल उसी की तरह ये शहर भी अपनी अव्यवस्थाओं में उलझा हुआ था और इसलिए मैंने ठाना था कि काशी की चौतरफा अव्यवस्था को चौतरफा विकास में बदलना है। आज काशी में हर दिशा में परिवर्तन हो रहा है। मुझे याद है सांसद बनने से पहले भी जब मैं यहां आता था तो शहर भर में बिजली के लटकते तारों को देखकर हमेशा सोचता था कि आखिर कब बनारस को इससे मुक्ति मिलेगी। आज देखिए शहर के एक बड़े हिस्से से लटकते हुए तार गायब हो गए हैं, बाकी जगहों पर भी इन तारों को जमीन के भीतर बिछाने का काम तेजी से जारी है। आज बिजलीकरण से जुड़े जिन 5 बड़े प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया गया है उनमें पुरानी काशी को बिजली के लटकते तारों से मुक्ति का भी काम उसमें शामिल है। इन सभी प्रोजेक्ट से वाराणसी शहर के अलावा आसपास के अनेक गांवों को पर्याप्त बिजली देने का लक्ष्य को और बल मिलने वाला है। इसके अलावा आज एक और विद्युत उपकेंद्र का शिलान्यास भी किया गया है। जब ये तैयार हो जाएगा तो आसपास के बहुत बड़े क्षेत्र को कम वोल्टेज की समस्या से छुटकारा मिलेगा। साथियों, वाराणसी को पूर्वी भारत के गेटवे के तौर पर विकसित करने का बरसक प्रयास हो रहा है और इसलिए सरकार की प्राथमिकता वाराणसी को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने की है। 21वीं सदी की आवश्यकता के अनुरूप ट्रांसपोर्ट हो, मेडिकल सुविधाएं हो, शिक्षा सुविधाएं हो, सभी का विकास किया जा रहा है। आज काशी एलईडी की रोशनी से जगमगा रही है। शहर की सड़कों उस पर रात में भी मां गंगा का प्रभाव सा दिखता है। एलईडी बल्ब से रोशनी तो हुई है, आप लोगों के बिजली के बिल में भी बहुत कमी आई है। वाराणसी नगर निगम ने एलईडी बल्ब लगने के बाद करोड़ों रुपयों की बचत की है। साथियों, 4 वर्ष पहले जो काशी आया था वो जब आज काशी को देखता है तो उसे नई सड़कों का विस्तार होता हुआ दिखता है। बरसों से
बनारस में रिंग रोड की चर्चा हो रही थी, लेकिन इसका काम फाइलों में दबा हुआ था। 2014 में सरकार बनने के बाद काशी में रिंग रोड की फाइल को फिर से निकाला गया, लेकिन यूपी में पहले की सरकार ने इस प्रोजेक्ट में गति नहीं आने दी। उनको चिंता हो रही थी कहीं ये काम हो गया तो मोदी का जय जयकार हो जाएगा, और इसलिए दबा करके बैठे थे। लेकिन जैसे ही आप सबने योगी जी की सरकार बनाई, सरकार बनने के बाद अब ये काम बहुत तेजी से पूरा किया जा रहा है। हरहुआ से गाजीपुर तक 4 लेन सड़क का काम लगभग पूरा होने को है। हरहुआ से राजा तालाब और चंदोली तक एक नए सर्किट को तैयार करने पर तेजी से काम चल रहा है। इस रास्ते में गंगा पर एक पुल भी बनाया जाएगा, जिससे बनारस में आने वाले बड़े ट्रकों की संख्या कम हो जाएगी। साथियों, काशी रिंग रोड के निर्माण से सिर्फ काशी नहीं, आसपास के अनेक जिलों को भी लाभ होने वाला है। बिहार, नेपाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, वहां जाने के लिए यहां से निकल रही सड़कों का बहुत ही महत्व है। यही कारण है कि वाराणसी शहर के भीतर और वाराणसी को दूसरे राज्यों से जोड़ने वाली सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है, उनको विस्तार दिया जा रहा है। वाराणसी हनमना यानी नेशनल हाईवे नंबर 7, वाराणसी सुल्तानपुर मार्ग, वाराणसी गोरखपुर सेक्शन, वाराणसी हंडिया सड़क संपर्क भी हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, बनारस के भीतर भी हजारों करोड़ रुपए की अनेक सड़क परियोजनाएं चल रही है। महमूरगंज से मंडुआडी आने जाने वालों को पहले कितनी दिक्कत होती थी, स्कूल आने जाने वाले बच्चों का किस प्रकार मुश्किलें झेलनी पड़ती थी, ये भी आपको याद कराने की जरूरत नहीं है। वर्षों के इंतजार के बाद मंडुआडी फ्लाईओवर का काम भी पूरा हो चुका है। वहीं गंगा नदी पर बने सामने घाट पुल के पूरा होने से रामनगर आना जाना और आसान हुआ है। शहर का अधूरा पुल जितना पुराना था, उतनी ही पुरानी उसे चौड़ा करने की मांग थी। कई दशकों से अधूरा पुल को चौड़ा पुल करने का काम अटका हुआ था, इस काम को भी पूरा किया गया है। इसके अलावा भोजुबीर सिंधौरा मार्ग को चौड़ा करने का काम, शिवपुर फुलवरिया मार्ग को 4 लेन करने का काम, राजा तालाब पुलिस चौकी से जखिनी तक सड़क के चौड़ीकरण का काम हो, शहर के अलग अलग हिस्सों में आज तेज गति से काम चल रहा है। आस्था और पर्यटन की दृष्टि से अहम पंचकोसी मार्ग के विकास का कार्य भी तेज गति से चल रहा है। बाबतपुर से कचहरी मार्ग तक बन रही सड़क पर लगभग 750 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पहले यह सड़क कितनी संकरी थी, इससे आप सभी भली भांति परिचित हैं।
कुछ ही मिनटों का रास्ता तय करने में घंटों का समय लग जाता था। भारी जाम के कारण कई बार फ्लाइट तक ट्रेन तक छूट जाती थी। जब से ये सड़क पूरी तरह से तैयार हो जाएगी तो इन सभी समस्याओं से मुक्ति मिलना सुनिश्चित है। साथियों, वाराणसी में हो रहे विकास के गवाह यहां एयरपोर्ट पर आने वाले लोग भी बन रहे हैं। हवाई जहाज से बनारस आने वाले लोगों और टूरिस्टों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। चार साल पहले जहां बाबतपुर एयरपोर्ट पर 8 लाख लोग आते जाते थे, अब ये आंकड़ा 21 लाख पहुंच गया है। स्मार्ट बनारस में स्मार्ट परिवर्तन हो, इसके लिए ट्रांसपोर्ट के हर तरीके को आधुनिक बनाने का काम हो रहा है। ट्रैफिक व्यवस्था को इंटीग्रेट किया जा रहा है ताकि किसी एक परिवहन व्यवस्था पर बोझ न पड़े। यहां बन रहा इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर पूरे शहर के प्रशासन और पब्लिक सुविधाओं पर नियंत्रण करने वाला है। बनारस और बनारस में तेजी से बन रही मल्टी मॉडल टर्मिनल का काम पूरा होने पर ये शहर ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक के बड़े हब के तौर पर भी उभरने वाला है। इससे सड़क, रेल और जल परिवहन तीनों ही कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिसका बड़ा लाभ यहां के व्यापार और उद्योग को मिलने वाला है। साथियों, काशी आने जाने वालों का समय बचे, इसके गंगा पर फेरी चलाने की योजना पर काम हो रहा है। वाराणसी से हल्दिया तक नेशनल वाटरवे नंबर 1 का काम भी जारी है। सीएनजी से गाड़ियां चलाने की दिशा में तेज गति से काम हो रहा है। भाइयों और बहनों, सोशल मीडिया पर जब लोगों को खुशी में वाराणसी कैंट स्टेशन की तस्वीरें पोस्ट करते हुए देखता हूं तो मेरी प्रसन्नता भी दोगुना हो जाती है। कैंट स्टेशन हो, मड़ुआडी हो या फिर सिटी स्टेशन, सभी पर विकास के कार्यों को गति दी गई है, उन्हें आधुनिक बनाने का काम किया जा रहा है। रेल से काशी आने वाले को अब स्टेशन पर ही नई काशी की तस्वीर नजर आती है। साथियों, इसके अलावा वाराणसी को इलाहाबाद और छपरा से जोड़ने वाले ट्रैक की डबलिंग का काम प्रगति पर है। वाराणसी से लेकर बलिया तक विद्युतीकरण का काम भी पूरा हो चुका है। वाराणसी इलाहाबाद सिटी खंड के दोहरीकरण और विद्युतीकरण का कार्य जारी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ वाराणसी की देश के बाकी हिस्सों से रेल कनेक्टिविटी में भी कई गुना बढ़ोतरी हुई है। वाराणसी से अनेक नई गाड़ियों की शुरुआत पिछले 4 साल में की गई है। वाराणसी से नई दिल्ली, वडोदरा, पटना जाने के लिए अलग अलग महामना एक्सप्रेस, वाराणसी पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस जैसी आधुनिक सुविधाओं वाली ट्रेनों ने भी सभी का ध्यान खींचा है। हुबली हो, मैसूर हो, गुवाहाटी हो, देश के अन्य शहरों के साथ वाराणसी का रेल संपर्क और मजबूत हुआ है। साथियों, आज काशी में न सिर्फ आना जाना आसान हो रहा है बल्कि शहर के सौंदर्य को भी निखारा गया है। हमारे घाट अब गंदगी से नहीं, रोशनी से अतिथियों का सत्कार करते हैं।
माँ गंगा के जल में हम नावों के साथ साथ क्रूज की भी सवारी संभव हो पाई है। हमारे मंदिर पूजा स्थलों तक श्रद्धालुओं को पहुंचने में मुश्किल ना हो इसके इंतजाम किए गए हैं। पर्यटन से परिवर्तन का यह अभियान निरंतर जारी है। भाइयों और बहनों, बीते 4 वर्षों से काशी की विरासत हमारी धरोहरों को संजोने का, उन्हें संवारने का काम किया जा रहा है। मैदागिन स्थित टाउन हॉल वो जगह है जहां गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन की अलग जगाई थी। हम हेरिटेज भवन का गौरव फिर लौटाने का काम किया गया है। ये फिर से अपने मूल स्वरूप में दिखने लगा है। वाराणसी के बड़े और मुख्य पार्कों का जीर्णोद्वार, विकास और सौंदर्यीकरण भी किया गया है। सारनाथ में पर्यटकों के लिए लाइट एंड साउंड शो की व्यवस्था की गई है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बुद्धा थीम पार्क, सारंगनाथ तालाब, गुरुधाम मंदिर, मार्कंडेय महादेव मंदिर जैसे आस्था से जुड़े अनेक स्थलों का सौंदर्यीकरण भी किया जा चुका है। भैरव कुंड, सारंगनाथ कुंड, लक्ष्मी कुंड और दुर्गा कुंड की साफ सफाई और सौंदर्यीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। पिछले 4 सालों में दूसरे देशों के अनेक शीर्ष नेताओं का स्वागत काशी वासियों ने किया है, अद्भुत स्वागत किया है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर ने काशी के आतिथ्य को सारी दुनिया में सराहा है, जहां गए उसकी बात की है। जापान ने तो काशी के लिए कन्वेंशन सेंटर का भी तोहफा दिया है। साथियों, बनारस के आतिथ्य पर अगले वर्ष की शुरुआत में भी दुनिया भर की नजरें होंगी। जनवरी में दुनिया भर में बसे भारतीयों का कुंभ यहां काशी में, बैठिए भैया, आपका प्यार मंजूर है भैया, दुनिया भर में बसे भारतीयों का कुंभ यहां काशी में लगने वाला है और इसके लिए सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, लेकिन आपका सहयोग भी आवश्यक होगा। एक एक काशीवासी को इसके लिए आगे आना होगा। काशी की गली गली, नुक्कड़ चौराहे पर बनारस का रस, बनारस का रंग, बनारस की सांस्कृतिक विरासत नजर आनी चाहिए। साफ सफाई से लेकर आतिथ्य सत्कार की ऐसी मिसाल हमें बनानी है कि हमारे प्रवासी भारतीय भाई बहन जीवन भर याद रख सके। और मैं तो चाहूंगा कि प्रवासी भारतीय दिवस में दुनिया भर के जो लोग जो यहां आएंगे वो ऐसा अनुभव करके जाए कि वो हमेशा के लिए काशी के टूरिज्म के एम्बेसडर बन जाए, वो जहां जाए काशी की तारीफ करते रहे। भाइयों और बहनों, स्वच्छता के मामले में भी काशी ने परिवर्तन देखा है। आज यहां के घाटों, सड़कों और गलियों में स्वच्छता स्थायी बनती जा रही है। ना सिर्फ साफ सफाई बल्कि कूड़े के निस्तारण के भी ठोस उपाय किए गए हैं। कूड़े से आधुनिक तकनीक द्वारा खाद बनाने का काम भी किया जा रहा है।
करसड़ा में कचरे से खाद बनाने का बहुत बड़ा कारखाना स्थापित किया गया है। हर रोज सैकड़ों मैट्रिक टन कूड़े का निस्तारण हो रहा है, कूड़े से कंपोस्ट खाद बनाने का काम हो रहा है। करसड़ा में ही वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की भी स्थापना की गई है। इस प्लांट से बिजली पैदा करने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा भवनिया पोखरी, पहाड़िया मंडी और आईडीएच परिसर में बायोफ्यूल बनाने वाले प्लांट स्थापित किए गए हैं। साथियों, मां गंगा की सफाई के लिए गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक एक साथ प्रयास चल रहे हैं। सिर्फ साफ सफाई नहीं बल्कि शहरों की गंदगी गंगा में ना गिरे, इसके लिए भी प्रबंध किया जा रहा है। और इसके लिए अब तक लगभग 21,000 करोड़ की 200 से अधिक परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है। बनारस में भी 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं सिर्फ इस मकसद से शुरू की गई है। दीनापुर और रमाना में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण तेज गति पर है। सीवर प्लांट के साथ साथ उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम किया जा रहा है। शहर भर में हजारों नए सीवर चैम्बरों के निर्माण के साथ 150 से अधिक सामुदायिक शौचालयों का निर्माण भी किया जा चुका है। सीवर के साथ साथ पेयजल की व्यवस्था सुधारने के लिए काम जारी है। हजारों घरों में पानी का कनेक्शन और पानी के मीटर लगाने का भी काम तेज गति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, वाराणसी शहर ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों को भी सड़क, बिजली, पानी जैसी सुविधाएं पहुंचाई गई है। सांसद के रूप में जिन गांवों को विशेष रूप से विकसित करने का जिम्मा मेरे पास है, उनमें से एक नागेपुर गांव के लिए आज पानी के एक बड़े प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया गया है। नागेपुर हो, जयापुर हो, ककरिया हो या डोमरी हो, सभी गांवों को पूरी तरह सड़क, बिजली, पानी जैसी सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। खेलकूद के लिए मैदान, स्वरोजगार के केंद्र, खेती किसानी की बेहतर व्यवस्था और उचित स्वास्थ्य सेवाओं जैसे अनेक इंतजाम किए जा रहे हैं। साथियों, आपके सक्रिय सहयोग से काशी आज पूर्वी भारत के एक हेल्थ हब के रूप में उभरने लगा है। अलग अलग क्षेत्रों में बन रहे नए अस्पताल आने वाले दिनों में वाराणसी को पूरे पूर्वी भारत का बड़ा मेडिकल सेंटर बनाने जा रहे हैं। बीएचयू में बना आधुनिक ट्रॉमा सेंटर हजारों लोगों के जीवन को बचाने का काम कर रहा है। बनारस में बन रहे नए कैंसर हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल लोगों को इलाज की आधुनिक सुविधाएं देने में बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। हाल ही में बीएचयू ने एम्स के साथ एक वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंस्टीट्यूट बनाने के लिए भी समझौता किया है। साथियों, आज बीएचयू में रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेमोलॉजी यानी क्षेत्रीय नेत्र संस्थान का भी शिलान्यास किया गया है। 54 वर्ष पहले लाल बहादुर शास्त्री जी ने यहां नेत्र विभाग का उद्घाटन किया था। इसको रीजनल सेंटर के रूप में विस्तार देने का अवसर आज मुझे प्राप्त हुआ है। जब यह सुविधा बनकर तैयार हो जाएगी तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और नेपाल तक के करोड़ों लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं,
बल्कि काशी वासियों को अब आंखों की गंभीर बीमारी के इलाज के लिए बड़े बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। इससे मोतियाबिंदु से लेकर के आंखों की गंभीर से गंभीर बीमारियों में होने वाले इलाज पर खर्च भी बहुत कम हो जाएगा। इतना ही नहीं, ये संस्थान अब उच्च स्तर के आंखों के डॉक्टर भी तैयार करेगा और रिसर्च में भी गुणवत्ता निश्चित सुनिश्चित करेगा। साथियों, बनारस में नए अस्पतालों का निर्माण तो हो ही रहा है, पहले से जो अस्पताल मौजूद थे उनकी भी सुध ली गई है। पांडेपुर में 150 करोड़ की लागत से ईएसआई हॉस्पिटल का आधुनिकीकरण किया गया है। इसके अलावा बनारस में पहले से काम कर रहे अस्पताल में बड़ों की संख्या बढ़ाई जा रही है। निजी क्षेत्र को भी यहां अस्पताल खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ब्लॉक और तहसील स्तर पर भी अनेक स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों का निर्माण किया जा रहा है। साथियों, यूपी में भाजपा की योगी जी की सरकार बनने के बाद इन सभी कार्यों में अभूतपूर्व तेजी आई है। मैं योगी जी और उनकी पूरी टीम को आयुष्मान भारत इससे जुड़ने के लिए भी बधाई देता हूं। देश के 50 करोड़ गरीब भाई बहनों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित करने वाली इस योजना का ट्रायल यूपी समेत देश के अनेक हिस्सों में चल रहा है। 23 सितंबर से इस योजना को देश भर में लागू किया जाएगा। भाई और बहनों, स्वास्थ्य के साथ ही शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का सरकार ने बल दिया है। ये मालवीय जी की और उन्हीं का सपना था कि एक ही परिसर में प्राचीन विद्याओं के साथ साथ आधुनिकता की पढ़ाई हो। उनके इसी सपने यानी हमारे बीएचयू को विस्तार देने के लिए आज अनेक सेंटर्स का लोकार्पण हुआ है। वेद के ज्ञान से लेकर 21वीं सदी के विज्ञान और भविष्य की टेक्नोलॉजी के समाधान देने वाले आयाम आज यहां जोड़े गए हैं। वेद से लेकर के वर्तमान तक को जोड़ा गया है। आज यहां एक तरफ वैदिक विज्ञान केंद्र का शिलान्यास हुआ है तो दूसरी तरफ अटल इंक्यूबेशन सेंटर की भी शुरुआत हुई है। युवा साथियों, हम सभी को जितना अपनी पुरातन संस्कृति और सभ्यता पर गर्व है उतना ही भविष्य की तकनीक के प्रति हमारा आकर्षण है। 80 करोड़ से अधिक युवाओं की शक्ति से भरा ये देश तेजी से बदलते टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप में अपनी छाप छोड़ रहा है। भविष्य की तकनीक के साथ भारत के इसी कदम ताल से ताल मिलाते हुए बीएचयू में अटल इंक्यूबेशन सेंटर की शुरुआत की गई है। बीएचयू का यह इंक्यूबेशन सेंटर आने वाले समय में यहां स्टार्टअप के लिए नई ऊर्जा देने का काम करेगा। मुझे जानकारी दी गई है कि देश भर से करीब 80 स्टार्टअप के आवेदन इससे जुड़ने के लिए आ चुके हैं और 20 स्टार्टअप ऑलरेडी यहां जुड़ चुके हैं। इस सेंटर के लिए मैं बनारस के युवाओं और विशेष तौर पर जो इस प्रकार का साहस रखते हैं, सोच रखते हैं, उनको मैं बधाई देता हूं। साथियों, किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने का काम भी बीते 4 वर्षों से तेज हुआ है। राजा तालाब में बने पेरिशेबल कार्गो केंद्र का जुलाई में ही लोकार्पण किया गया है। ये कार्गो सेंटर वाराणसी और आसपास के किसानों की फसलों को
न केवल खराब होने से बचा रहा है बल्कि आय बढ़ाने और वैल्यू एडिशन में भी मदद कर रहा है। यहां ना सिर्फ आलू टमाटर समेत दूसरे फल सब्जियों के स्टोरेज की सुविधा यहां है बल्कि रेलवे स्टेशन में भी ये सटा हुआ है। इससे फल सब्जियों को दूसरे शहरों तक भेजने में आसानी रहती है। इस कार्गो सेंटर के अलावा अब इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर भी का काम करीब करीब समाप्ति पर है, यानी भविष्य में काशी धान की उन्नत किस्मों के शोध में भी अग्रणी भूमिका निभाने वाला है। वाराणसी के किसान भाई बहनों को खेती के अतिरिक्त दूसरे व्यवसायों से भी आय हो सके इसकी भी व्यवस्था जारी है। किसान भाइयों बहनों को खेती के साथ साथ पशुपालन और मधुमक्खी पालन के लिए भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। थोड़ी देर पहले किसानों यहां मधुमक्खियों से भरे बॉक्स आज यहां दिए गए। यहां तो सिर्फ तस्वीर दी गई लेकिन उनको दे दिए गए। उसके पीछे भी यही मकसद है, मधुमक्खियों ना सिर्फ हमारी उपज बढ़ाने को बढ़ोतरी करती है बल्कि शहद के रूप में अतिरिक्त आय का भी स्रोत है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि आज देश रिकॉर्ड मात्रा में अनाज पैदा करने के साथ साथ रिकॉर्ड मात्रा में शहद भी पैदा कर रहा है। भाइयों और बहनों, बनारस और पूर्वी भारत बुनकरों शिल्पकारों मिट्टी को सोना बनाने वाले कलाकारों की धरती है। वाराणसी के हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग को तकनीकी सहायता देने और कारीगरों को नए बाजारों से जोड़ने के लिए ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर का निर्माण किया गया है। इसके अलावा बुनकरों को अच्छे उत्पादन की सुविधा के लिए 9 स्थानों पर कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर भी बनाए गए हैं। अब बुनकर भाई बहनों को वाट मशीन दी जा रही है, इससे बुनकरों का काम और आसान हो जाएगा। बुनकर ही नहीं, मिट्टी के बर्तन और मिट्टी से कलाकृतियां बनाने वाले भाइयों बहनों को भी तकनीक की ताकत दी जा रही है। आज यहां इस कार्यक्रम में कई भाई बहनों को इलेक्ट्रिक चाक दिए गए हैं। इसके अलावा मिट्टी गूंथने और सुखाने की आधुनिक मशीनें उन्हें दी जा रही हैं। इससे जहां आपके श्रम की बचत होगी वहीं कम समय में अच्छी क्वालिटी के बर्तन या फिर सजावटी सामान बनाए जा सकेंगे। साथियों, वाराणसी के हर वर्ग हर तबके का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। काशी अब देश के उन चुनिंदा शहरों में शामिल है जहां के घरों में पाइप से कुकिंग गैस पहुंच रही है। इसके लिए इलाहाबाद से बनारस तक पाइपलाइन बिछाई गई है। अब तक बनारस में 8,000 से अधिक घरों तक पाइप वाली गैस का कनेक्शन पहुंच चुका है। आने वाले समय में इसको 40,000 से ज्यादा घरों तक पहुंचाने के लिए काम चल रहा है। इसके अलावा उज्ज्वला योजना के तहत दिए गए 60,000 से ज्यादा गैस कनेक्शनों ने भी बनारस के आसपास गांवों में महिलाओं के जीवन को आसान बनाने का काम किया है। साथियों, सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर चलते हुए काशी एक नए उत्साह के साथ नए जोश के साथ अपना भविष्य तय कर रहा है। हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट पर काम जारी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के जिन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है उनमें से अनेक आने वाले कुछ महीनों में पूरा होने की स्थिति में है। रिंग रोड, एयरपोर्ट से कचहरी तक की सड़क, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, दीनापुर गोईठा के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट,
मल्टी मॉडल टर्मिनल, विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल जैसे बड़े प्रोजेक्ट पूरे होंगे तो इनसे शहर के विकास को नए आयाम मिलेंगे। साथियों, ये सारी परियोजनाएं वाराणसी में यहां के नौजवानों को रोजगार के असीम अवसर भी उपलब्ध करा रही है। बनारस में हो रहे विकास ने यहां के उद्यमियों के लिए भी व्यापार के नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं। आइए हम पूरे समर्पण के साथ बनारस में हो रहे परिवर्तन के इस संकल्प को और मजबूत करें। नई काशी नए भारत के निर्माण में आगे बढ़कर अपना योगदान दें। एक बार फिर आप सभी को नए हुए शुरू हुए तमाम प्रोजेक्ट के लिए बधाई देता हूं। आप यूं ही मुझे अपना स्नेह और आशीर्वाद से प्रेरणा देते रहें इसी कामना के साथ। और भाइयों बहनों, मैं भले आपने भले मुझे प्रधानमंत्री पद का दायित्व दिया हो, लेकिन मैं एक सांसद के नाते भी आपको मेरे काम का हिसाब देने के लिए जिम्मेवार हूं। और आज मैंने आपको 4 साल में एक सांसद के रूप में कहां काम किया इसकी एक छोटी सी झलक दिखाई है। और मैं मानता हूं जनप्रतिनिधि के नाते, आपके सेवक के नाते, आप मेरे मालिक हैं, आप मेरे हाई कमांड हैं। और इसलिए पाई पाई का हिसाब देना, पल पल का हिसाब देना, ये मेरा दायित्व बनता है। और एक सांसद के रूप में आज मुझे खुशी है कि आपके बीच में ये विकास की बातों को तो आपके सामने प्रस्तुत करने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं फिर एक बार आपके स्नेह के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए, आपके अप्रतिम प्यार के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय आगमन के लिए और इतनी सारी विकासकारी योजनाओं की सौगात के लिए। सचमुच हम सौभाग्यशाली हैं कि आप हमारे साथ हैं, हमारी प्रेरणा, हमारा विश्वास है। सचमुच नई काशी नए भारत के निर्माण में अपना सहयोग देगी इसी संकल्प के साथ ये आयोजन अब संपन्न होता है और नए विकास के युग का शुभारंभ। आप सभी से अनुरोध है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय और विशिष्ट अतिथियों के प्रस्थान तक व्यवस्था को बनाए रखने में हमारा सहयोग देंगे। अर्चना सतीश को आगे दीजिए। नमस्कार।